मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। पीएम मोदी की मेक इन इंडिया को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बब्बर शेर बोल मजाक उड़ाते रहे हैं। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, लेकिन कहते हैं ना कि एक हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले। मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाते रहे, और जो इतिहास बनाने में यकीन रखते हैं उन्होंने इतिहास रच दिया। जी हाँ, मोदी की मेक इन इंडिया ने एक और उपलब्धि हासिल कर लिया। मेक इन इंडिया की ये उपलब्धि अमेरिका में अब भारत की शान बढ़ाएगा। मोदी सरकार भारत में व्यापार माहौल को बेहतर आंका जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग काफी बेहतर हुई है। व्यापार संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया और व्यापार संबंधी कानून सरल हुआ है। लिहाजा मोदी सरकार में विदेशी निवेशक उत्साहित होकर भारत में निवेश कर रहे हैं। बीते 4 साल में मोबाइल से लेकर कार व अन्य प्रकार का उत्पाद करने वाली विदेशी कंपनियां भारत में अपने उत्पाद इकाई लगा रही हैं। मोदी की मेक इन इंडिया की शुरुआत के बाद भारत अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है। मोबाइल उत्पाद करने वाली लगभग सभी विदेशी कंपनियों ने भारत में अपना उत्पाद इकाई खोला है, और भारत चीन से दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक हब होने का तमगा छीन लिया है। नोएडा में इसी साल मोबाइल उत्पाद करने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल उत्पाद इकाई खोला। तो वहीं मोदी सरकार की मेक इन इंडिया लॉन्च होने के बाद कई कार उत्पादक कंपनी जैसे मर्सिडीज, फोर्ड, जनरल मोटर्स और इशर मोटर्स ने भी भारत में अपना उत्पाद इकाई डाला। आज भारत में बनी पहली मर्सिडीज कार बनकर तैयार है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत में बने इस पहली मर्सिडीज कार को खरीदा भी जा चुका है। संभवतः ये कार अगले महीने अमेरिका की सड़कों पर दौड़ेगी और भारत की शान बढ़ाएगी। मर्सिडीज बेंज की भारत इकाई फिलहाल सालाना 40,000 कारों का उत्पाद कर रही है। तो वहीं फोर्ड मोटर्स मार्च अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के बीच भारत में बनी 181,148 कारों का निर्यात कर चुकी है। इसके अलावा बजाज और इशर मोटर्स द्वारा रॉयल इनफील्ड का भी भारत में उत्पाद किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो मेक इन इंडिया एक तरफ जहां देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है, तो वहीं देश में रोजगार के अवसर को भी बढ़ा रहा है।